साकार करें सपने अपने। हेलो एंड वेलकम टू फैमिली गुरु। कितनी बार हम सुनते हैं पति पत्नी और वो, मियाँ बीवी और वो, ये वो हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वो कई बार वो तीसरी प्रॉब्लम होती है जो दो जनों के बीच में आ जाती है। कई बार ये वो ससुराल वाले हो जाते हैं, कई बार ये वो मायके वाले हो जाते हैं, कई बार नौकरी की प्रॉब्लम हो जाती है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आके खड़ी हो जाती है, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी एक पार्टनर की नशे की आदत, ज़िद की आदत, इरिटेशन की आदत, कोई भी ऐसी चीज़ जो दो जनों के प्यार में कहीं बाहर से आ जाए, यही है वो। इस वो को कब लाए ज़िंदगी में, कैसे आया, किन सर्कमस्टांसिस में आया, इस बारे में तो हम बात करते ही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर ये वो मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से निकले कैसे। तो चलिए आज इस वो पर और ज़्यादा क्लैरिटी लेते हैं और देखते हैं कि आपके रिश्ते से ये वो कैसे बाहर निकले। शो की शुरुआत तो हम करेंगे ही, आपके मतलब की बात करेंगे, पति पत्नी वो की बात करेंगे। वो का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता, 10 मुसीबतें और भी होती हैं भाई शादी में, एक ही ट्रैक पर क्यों सोचते हैं। लेकिन चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कुछ खटास है, कुछ कड़वापन है, तो आपको हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक साथ मंडे के दिन शिवलिंग पर जाकर जो लाल मौली होती है वो शिवलिंग और माँ पार्वती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए, घड़ी की तरह सीधे घुमाते हुए 7 राउंड घुमाने हैं और 7 गांठें बांधनी हैं। ऐसे करने पर आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले एक स्टेज आती है जब लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, आपको तो पता ही होगा। तो जब कुंडली मिलाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यार 18 गुण मिल गए, ये बेस मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, तो अब इसके बाद जो है शादी के लिए हाँ कर दो। अब ये 18 गुण जो मिलते हैं ऐसे, तो फिर कई लोगों का ये भी काउंटर होता है कि सीता जी और राम जी के 36 गुण मिल गए, वो कौन सा साथ में रहे। बेसिकली ये पर्पस क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस समय आप पैदा हुए, जो आपके हाथ में नहीं था, समय, डेट, प्लेस, परिवार, ये सब आप चुन कर नहीं आए, एक आप पैदा हुए और एक सामने वाला पैदा हुआ, ये एक स्नैपशॉट हो गया जो उस समय कुदरत का था। तो देखे जाते हैं कि ये दो स्नैपशॉट में कितनी सिमिलैरिटी है, यानी कि आपका बेसिक नेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपके ग्रहों के कोऑर्डिनेशन आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपकी राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, दिमाग, दिल से, रिश्ते निभाने में, सोशली, सेक्सुअली, हर एंगल पर चेक करते हैं एक एक अलग अलग पैरामीटर से कि ये कुंडली मिलती है या नहीं। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ज़रूरी माना जाता है रिश्ते मिलाने में। कई बार हमें ऐसे लगता है कि यार देखने से तो ये रिश्ता ठीक है, मेरी बेटी यहाँ पे ठीक सेट हो जाएगी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा तो खर्चीला है और ये लोग तो कंजूस हैं, या हमारी बेटी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और लड़का ज़्यादा डब्बू है। तो किस बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो इनिशियली हम देख नहीं पाते। सो एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करता है टू सी बियॉन्ड। इसी तरीके से जिस तरीके से जब कुंडली मिलान होता है तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जैसे एक चीज़ आती है सामने जिसको हम बोलते हैं मंगल दोष। मंगल दोष का मतलब ये होता है कि एक आदमी का मंगल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल मीन्स अग्रेशन, इट मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड, इट मीन्स आपका पैशन। अगर सामने वाला उसकी कंपैटिबिलिटी पे नहीं आता तो एक गर्म चीज़ और एक ठंडी चीज़ अगर मिल जाएगी तो बताइए क्या होगा, तामझाम नहीं जमेगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू कनेक्ट। सिमिलरली जब मंगल दोष एक का होता है और दूसरे का नहीं होता है तो भी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से एक और एनालाइजिंग का तरीका होता है आपके हॉरोस्कोप का 7th हाउस। मैं मतलब पहला हाउस और मेरे सामने वाला मेरा पार्टनर मतलब कि 7th हाउस। ऐसा कहा जाता है कि जब 7th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला जाता है, यानी कि अपने से उल्टे घर में चला जाता है, 8th हाउस में चला जाता है यानी कि गड्ढे में चला जाता है, या 12th हाउस में चला जाता है मतलब मोक्ष हो जाता है, तो भी शादी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। इसी तरीके से 4th हाउस को भी देखा जाता है। 4th हाउस मतलब चेस्ट का एरिया, चेस्ट मतलब सुख, है ना, मदर से बच्चा यहीं से सबसे पहले जुड़ता है, द फर्स्ट फीड दैट अ चाइल्ड गेट्स इज फ्रॉम अ मदर्स चेस्ट। तो ये एरिया जो है ये सुख का एरिया है। अगर आपका सुख का ओनर, इस घर का ओनर भी कहीं वेस्ट हो गया है या ठीक तरह से नहीं बैठा है या गलत लोगों के साथ बैठ गया है तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा, फिर चाहे वो शादी का सुख हो, बच्चे का सुख हो,
काम का सुख हो, तो ये सारे एंगल से जब आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को समझ पाते हैं। आइए बताते हैं आपको आज का दूसरा महा उपाय, ये भी जुड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। मैंने ऐसे बहुत हस्बैंड वाइफ देखे हैं जो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, चिक चिक करते हैं, लड़ते हैं। ऐसे में दोनों को वेंसडे के दिन 2 घंटे की मौन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन मौन तब नहीं करना कि चलो जी मैं सोने जा रहा हूँ, अब 2 घंटे का मौन है। अपने आप को चीट मत कीजिएगा, एक दूसरे के सामने बैठकर 2 घंटे का मौन करना है और एक टाइम पर एक ही जना मौन करें, तो अपने आप झगड़ों से निपटने की ताकत भी आएगी, अकल भी आएगी और बुद्ध भी ठीक होगा। चलिए आइए अब कुछ वो वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा है कभी कभी शादी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक जना बहुत प्रैक्टिकल होता है और दूसरा बहुत इमोशनल होता है। सामने वाली, अगर हस्बैंड प्रैक्टिकल होता है तो वाइफ कहती है ये तो मुझे समझते ही नहीं, ये तो मेरी बातों का ठीक से जवाब ही नहीं देते, मैं लड़ती हूँ तो रात को लड़कर सो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं। ये कौन से प्लैनेट का आता है? अगर एक पार्टनर का बुध यानी कि मरकरी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है और दूसरे का चंद्रमा यानी कि मन बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे हो गया जैसे फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट से आदमी बात कर रहा हो। एक आदमी दिल की बात करेगा, इमोशंस की बात करेगा और दूसरा दिमाग की बात करेगा, तो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉमन बैकग्राउंड ही नहीं है। एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो कैसे बात बनेगी? ऐसे में इनको रेगुलरली वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए दोनों को मिलकर। हो सके तो वेंसडे के दिन गाय को हरी घास खिलानी चाहिए ताकि जो ओवर प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो और जो ओवर इमोशनल हो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने, ताकि कॉमन ग्राउंड तो बने। अब जब शादी हो ही गई है तो निभाने की हर कोशिश करनी ही चाहिए। इसी तरीके से दूसरी वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है जो इमोशंस के रिलेटेड नहीं होती, लेकिन ये जो वो वाली प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है ससुराल की। हस्बैंड वाइफ की आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी सास को लेकर झगड़ा होगा, कभी ननंद को लेकर झगड़ा होगा, कभी देरानी जेठानी को लेकर झगड़ा होगा। मतलब आप अपने हस्बैंड की साइड वाले लोगों से या हस्बैंड वाइफ के साइड वाले लोगों से ससुराल पक्ष की वजह से झगड़ेगा। इसका मेन कारण जो होता है वो होता है मंगल। मंगल के कारण क्या होता है कि दोनों के बीच में एग्रेशन आता है, एकदम से गुस्सा आता है बिकॉज ऑफ अदर पीपल अराउंड। ऐसे में ट्यूसडे के दिन हलवा बनाएं, दोनों जाकर अपने हाथ से हनुमान जी को भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें, ये प्रॉब्लम खत्म होगी। तीसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो मिलता है स्ट्रॉन्ग वीनस। अगर हस्बैंड का स्ट्रॉन्ग वीनस है, वीनस मतलब कंफर्ट, वीनस मतलब प्लेजर, और ऐसा प्लेजर जिसको आप खर्चते वक्त सोचते नहीं हैं, तो वाइफ कहेगी कि यार ये इतने पैसे उड़ा देते हैं, इरिटेट होती रहेगी। और अगर वाइफ का वीनस स्ट्रांग है तो हस्बैंड उसको चिड़चिड़ के पैसे देगा क्योंकि जाएगी और खर्च कर देगी। और अगर दोनों के वीनस ज़्यादा स्ट्रांग है तो दोनों उजाड़ होंगे। तो इसीलिए जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो भी घर में पैसा नहीं टिक पाता और खर्चे को लेकर झगड़े होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी का जाप करना चाहिए, घर में राम दरबार स्थापित करना चाहिए और घर में देसी घी का दिया रोज जलाना चाहिए। अगला इशू जो शादी में आता है वो जो वो का इशू होता है, वो एक्चुअल वो का इशू होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी में लोगों को बोरियत लग जाती है, सामने वाले की तरफ से अपॉर्चुनिटी प्लेटर पे लगी आ जाती है, वॉट एवर माइट बी दी सर्कमस्टांसेस। लेकिन एक तीसरे इंसान की इमोशनल, फिजिकल या किसी भी लेवल पर एंट्री आपके रिश्ते में हो जाती है, इसका जो मेन कारण है वो है प्लैनेट राहु। ये अचानक से हमारे माइंड को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी गलतियों को देख भी नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमको माँ सरस्वती का रेगुलर जाप करना चाहिए, घर के नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती की फ़ोटो लगानी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी तरीके से दो और वो वाली प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे रिश्तों में बीच में आती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का आपसी झगड़ा होता है नशे की वजह से, यानी कि अगर वाइफ अडिक्ट है या हस्बैंड अडिक्ट है और एडिक्शन को लेकर झगड़ा हो रहा है और आपस में एक दूसरे के साथ मार पिटाई कर रहे हैं या बैड बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसका कारण सैटर्न भी हो सकता है। ऐसे में हमको क्या करना है कि हर सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है, सरसों का तेल किसी गरीब को दान करना है और लोहे की कोई चीज़ जो गर्म करने वाली होती है जैसे तवा, चिमटा, ये भी किसी गरीब को दान करना है, तो ये प्रॉब्लम कम होने लगेगी। एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखा है जो वो की तरह एंटर करती है रिलेशनशिप में, हैज़ नथिंग टू डू विद फैमिली मेंबर्स एंटरटेनिंग। आपके दोस्त की वजह से झगड़ा हो गया, लड़की के दोस्त की वजह से झगड़ा हो गया, मतलब और आसपास वाले लोगों की वजह से जब झगड़ा होता है जिनसे हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता,
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पीपल के पत्ते के ऊपर चंदन से सीताराम लिखकर माँ पार्वती के चरणों में अर्पित करें। आप माँ पार्वती या माँ सीता के चरणों में अर्पित करें। इसको आपको हर मंडे के दिन करना है एक पत्ते पर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। अगर रिश्ते में कहीं खींचातानी रहती है, दिक्कत रहती है, बाहर वाले लोगों की इंटरफेरेंस रहती है, एक रिश्ते में अपना एसेंस खो गया है, तो एक दूसरे को फ्राइडे के दिन इत्र गिफ्ट कीजिए। ये इत्र आपको भगवान को लगाने के बाद, राधा कृष्ण को लगाने के बाद खुद लगाना है। आप फ्लावर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स यूज़ होने चाहिए, यानी कि हस्बैंड अपने कोट में लगाए अगर वाइफ दे, और हस्बैंड वाइफ को बालों में लगाने के लिए फूल दे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इत्र गिफ्ट करें और उस दिन अप्लाई भी करें। देखिए, जब आप अपना मन बना लेते हैं किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए, तो कोई भी चीज़ आपका मदद का सहारा बन जाती है। जैसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय, कुछ ऐसे खास टिप्स जो आपके मैरिज को, आपके रिश्ते को मिठास भरा बना देंगे। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को क्या करना है कि सिंदूर लगाने की प्रथा को रेगुलर बना लीजिए। लेकिन सिंदूर कैसे लगाएं? अपने घर के मंदिर में माँ की मूर्ति के आगे, माँ पार्वती की मूर्ति के आगे थोड़ा सा सिंदूर एक पैकेट में रख दीजिए, डिब्बी में रख दीजिए। चांदी की डिब्बी में हो तो और बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा रात को माँ पार्वती के फोटो के पैरों में या जो मूर्ति हो उनके चरणों पर लगा लें। अगले दिन अपने हस्बैंड को कहें कि आपकी मांग में सिंदूर लगा लें। इसको सिर्फ आप थर्सडे भी अगर कर लें तो आपके रिश्ते में एक बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी शादी होती है, डिक्लेरेशन होती है शादी की, तो मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना, ये एक बेसिक रिचुअल्स है। जब आप इसको कैरी ऑन करते हैं तो रिश्ते में एक बॉन्डिंग, रिक्रिएशन ऑफ मोमेंट शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हैं, रंग बिरंगे फूल आप दोनों फ्राइडे को खरीदें। जैसे एक रेड फूल ले लिया, वाइट ले लिया, येलो ले लिया, पिंक ले लिया, ऐसे 4-5 अलग अलग कलर्स के फूल ले लिए। इन कलर्स के फूलों को अपने दोनों हाथों से जाकर आप माँ लक्ष्मी के चरणों में फ्राइडे के दिन चढ़ाएं। एक तो इससे रिश्ते में प्यार बना रहता है, दूसरा फाइनेंसेस भी बेटर हो जाते हैं, तो पैसे से रिलेटेड वाले जो झगड़े होते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं हम रिश्ते को बेटर करने के लिए, वो ये कि कई बार हम इतने ज़्यादा एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि लोगों को भी बर्दाश्त नहीं होता, तो नज़र लग जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अपनी शादी की या किसी खास फंक्शन पे जब आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए हों और लगा हो कि यार अब इस फंक्शन पे जाने के बाद झगड़े होने शुरू हो गए, तो उस फंक्शन की फ़ोटो के ऊपर आपको, और मोबाइल के ऊपर से मत कीजिएगा, इसका हार्ड प्रिंट आउट निकालिएगा, तो इस फोटो के ऊपर से आपको नमक मार कर पब्लिक टॉयलेट में जाकर इस नमक को फ्लश कर देना है। इससे सारी नेगेटिविटी उस रिश्ते की, उस समय जो भी आपने एक्यूमुलेट करी, लोगों की नज़र लगी, वो सब की सब फ्लश हो जाती है। और एक बात, अपने घर में नमक के पोछे लगा देने से भी लोगों की नज़र, लोगों की नेगेटिविटी घर में ख़त्म होने लगती है। अपने रिश्ते को और अच्छा करने के लिए अपने घर के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अपनी हस्ती खेलती, वेकेशन की, मुस्कुराते हुए, कोई भी इंजॉयमेंट के मोमेंट की पिक्चर ज़रूर लगाएं ब्राउन कलर के फ्रेम में। इससे आपकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट के पल बार बार आते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप माँ दुर्गा का जाप करेंगे वेंसडे के दिन, माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति के आगे आपके घर, आपके परिवार को प्रोटेक्शन मिलेगी और किसी की नज़र नहीं लगेगी। हम सब एक खास दिन हुए, उस खास दिन की कोई खास राशि बनती है, उस नाम की कोई खास राशि बनती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता तो अपना नाम तो बताएं, उस नाम के पहले अल्फाबेट के हिसाब से भी आप अपनी राशि को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप ऐसा करने पर, आप जिस राशि पे निकलेंगे उस राशि के हिसाब से आपको बताती हूँ कि अपने पार्टनर को हमें क्या गिफ्ट करना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल। अपने पार्टनर को ये चीज़ गिफ्ट करने से आपके रिश्तों में मिठास और प्यार आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लोगों की। मेष राशि के लोग अपने पार्टनर को रेगुलर तरीके से कुछ ना कुछ रेड चीज़ गिफ्ट किया करें। जैसे कभी मेल्स घर आते हुए बीवी के लिए अनार ले आए, या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कोई रेड हैंकरचिफ ले आई, या कोई रेड सॉक्स ले आई जिसमें सॉक्स के अंदर थोड़ा रेड कलर है। इस तरह से चीज़ें गिफ्ट करने पर आप दोनों का प्यार बना रहेगा। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वाले हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को चटपटा खाना ज़रूर खिलाया करें। कभी गोलगप्पे, कभी दही पापड़ी, और दही वाला चटपटा खाना जैसे कि राज कचौड़ी, दही भल्ला, पापड़ी चाट,
ये तो बहुत ही कमाल का काम करेगा आपके रिश्तों में स्पाइस और एंटरटेनमेंट भरने के लिए। मिथुन राशि वाले लोग अपने पार्टनर को, एक दूसरे को, या अगर किसी एक की मिथुन राशि है तो उसको आप ग्रीन चीज़ गिफ्ट करें। आई वुड सजेस्ट कि आप उनको एक छोटा सा बैम्बू का प्लांट गिफ्ट करें जो वो अपने कमरे में या अपने लिविंग रूम में लगा सके, ताकि उसको देख सके, ताकि रिश्ते में नई ग्रोथ आए। कर्क राशि वाले लोग अपने पार्टनर को, या अगर किसी एक पार्टनर की कर्क राशि है या आप खुद कर्क राशि के हैं, तो अपने पार्टनर को आप वाइट ब्राइट चीज़ें गिफ्ट करें, जैसे पर्ल नेकलेस हो सकता है। फीमेल्स हैं तो अपने मेल कर्क राशि के पार्टनर को वाइट शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, हैंकरचीफ, वेस्ट, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वाइट थिंग्स जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी एक पार्टनर की या दोनों पार्टनर की सिंह राशि है, लियो हैं, तो आप अपने पार्टनर को रेगुलरली गुड़ की मीठी आइटम खिलाते रहें। कभी गुड़ खिला दिया, कभी गुड़ की रोटी खिला दी, कभी गुड़ वाली बर्फ़ी खिला दी, कभी गुड़ का संदेश खिला दिया। किसी भी फॉर्म में उस पार्टनर को गुड़ ज़रूर खिलाते रहें, ताकि आपके रिश्ते में मिठास आए। कन्या राशि है अगर दोनों पार्टनर की या किसी भी एक पार्टनर की, तो उस एक पार्टनर को आपको पान ज़रूर खिलाना है। आप किसी भी फॉर्म में अगर पार्टनर को पान खिला सके बहुत अच्छा है। इससे आपके रिश्ते में एक टैंगी फ्लेवर रहेगा, एक एक्साइटमेंट, एक चार्म, एक रोमांस बना रहेगा। अगर दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की या दोनों पार्टनर की तुला राशि है, तो आप लोगों को रेगुलरली माँ लक्ष्मी की जाकर पूजा करनी चाहिए। चाहे फ्राइडे के दिन, चाहे थर्सडे के दिन, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने पर, उनको मीठा भोग लगाने पर आपके रिश्ते में भी एक अटूट सी चीज़ आएगी। इसी तरीके से अगर आप में से दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की या दोनों पार्टनर की राशि वृश्चिक है, तो आपको रेगुलरली ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में जाकर एक दूसरे को हनुमान जी का टीका लगाना चाहिए, जो उनकी बॉडी पर लगा होता है। इससे दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, एक मेंटल कोऑर्डिनेशन बनेगा और मंगल के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी खत्म होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर दोनों में से किसी एक पार्टनर की या दोनों पार्टनर की राशि धनु है, तो आप एक दूसरे को येलो चीज़ें गिफ्ट करें, या वाइफ अपने हस्बैंड को अगर धनु राशि है या खुद की भी धनु राशि है, तो येलो चीज़ बना के खिलाएं, जैसे कि केसर की बर्फ़ी हो गई, केसर की खीर हो गई, लेकिन येलो मीठी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अगर दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की या दोनों पार्टनर की राशि मकर राशि है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको एक दूसरे को ब्लू कलर की कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहिए। ब्लू कलर की चीज़ में हम सोच सकते हैं, जैसे ब्लू कलर का कपड़ा हो गया, सॉक्स हो गई, हैंकरचीफ, रबर बैंड, हेयर बैंड, हैंड बैग, कुड बी एनीथिंग, बट गिफ्ट समथिंग ब्लू। कुंभ राशि है तो आप अपने पार्टनर को फ्लावर ज़रूर गिफ्ट करें। फ्लावर्स का मतलब आप फ्रेग्रेंस, रूम फ्रेशनर भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये खुशबू आपके रिश्ते में भी खुशबू बिखेरेगी। मीन राशि है अगर आपकी या आपके पार्टनर की, तो आप अपने पार्टनर को कोई येलो नमकीन चीज़ रेगुलर खिलाते रहें, जैसे कि बेसन की वो पापड़ी आती है, चने की दाल होती है, इस तरीके से आप अपने पार्टनर को कुछ येलो या गोल्ड की चीज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में एक स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।